बिजनौर के सहनपुर इलाके में मकान की जर्जर छत का मलबा अचानक से गिर गया। छत के मलबे में एक ही परिवार के चार लोग दब गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के सहनपुर नगर पंचायत का है, जहाँ के मोहल्ला जरफूजन में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ले के रहने वाले साइकिल मिस्त्री कल्लू के मकान के कमरे की छत का लैंटर का मलबा अचानक से भरभराकर गिर गया। लैंटर का मलबा गिरने से चार लोग दब गए। शोर सुनकर आसपास के काफी लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को मलबे से बाहर निकाला। सभी घायलों को क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मकान की छत जर्जर हालत में थी, जिसका मलबा अचानक गिर गया था और अंदाजा भी नहीं लग पाया कि मकान की छत इतनी जल्दी से गिर जाएगी, परिवार के लोग उसमें दब जाएंगे। हम बैठे थे, फोन चला रहे थे, एकदम से गिर गया वो, एकदम से लिंटर गिर गया, पता भी नहीं चला। 10 मिनट हुई बैठे हुए, एकदम से गिर गया। नहीं ऐसे घूमने के लिए वो बुआ जी ले गई थी, बस पैर पर है, आने जा रहा, हड्डी हो चुकी है पैर की। वहाँ बैठे थे साइड में, पलंग पर, तीन चार जनों का चोट लगे। किस किस के चोट लगी है? तीन लड़की के ही लगी, भतीजी है मेरी, उनके लगी है, मेरे लड़के के लगी, लड़की के लगी। मेरे बहन भैया है, मेरी बहन है, जिसके घर से मेरे बच्चे भी आए हुए थे, 8-10 बच्चे थे, और वो सब मकान के तले बैठे हुए थे, और वो लिंटर आधा जैसे गिरा, सभी बच्चे जख्मी हो गए 3-4। हम सरकार से चाहते हैं कुछ थोड़ा बहुत इलाज के लिए मदद दे, मकान के लिए भी चाहते हैं। अगर गरीब आदमी, इनके पास तो कुछ है नहीं, कमर का ऑपरेशन हुआ है,